नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम राइस बैग का यूज करके सोफा बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राइस बैग कॉटन वाला लिया है। इसकी लंबाई है 16 इंच, चौड़ाई है 16 इंच। तो देखिए, ये हमारा डबल मेहर वाला भाग निकलेगा और दूसरा हमारा नीचे वाला भाग निकलेगा। तो देखिए, हम इसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारा ये 8 इंच कोने पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस इंची टेप को हम इसी तरह से रखते हुए 8-8 इंच पे निशान लगा देंगे। हमने इसे गोला कर दिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर दिया है, अब हम इसे खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरह से ये 2 राउंड शेप में हमारा ये हो गया है। उसी के सेम साइज से एक कर लिया है। इसके बीच में हम ये राइस बैग को रखेंगे, फिर उसके ऊपर में हम इसे रखेंगे। तो ये हमारा बीच में राइस बैग है और दोनों साइड हमारा फैब्रिक है। अब हम इसे राउंड में पूरा सिल के अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राइस के बैग में दोनों कपड़े को अटैच कर दिया। ये हमारा एक राउंड हो गया और ये हमारा दूसरा राउंड हो गया। लाइनिंग का कपड़ा लगाया है और ये इस साइड में भी ये कपड़ा है और इस साइड में भी हमने यही कपड़ा सेम लगाया है। इसका लंबाई चौड़ाई बताते हैं। देखिए, हमने ये डबल में किया हुआ है। ये डबल में करने के बाद में हमारा यहाँ पे 26 इंच आ रहा है। तो ये हमारा डबल है, तो 26 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी है 7 इंच। अब तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे बीच से कटिंग करके अलग कर देंगे। हमने इसे कटिंग करके अलग कर दिया है। अब हम इसमें जीप लगाएंगे, ऐसे हम रखेंगे और उस पर सिलाई करके फिर इसे पलट के सिलाई कर देंगे। फिर दूसरे साइड हम इसे रखेंगे और इसे भी पलट के सिलाई कर देंगे। किसी भी साइड से हम रखते हुए ऐसे अटैच करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरे राउंड में इसे अटैच कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई छोड़ते हुए और दूसरे साइड भी थोड़ा सिलाई छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे जो है कि इतना सिलाई दोनों साइड से छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक ऐसे लाएंगे और लाने के बाद जितना हमारा आ रहा है यहाँ से हम इसे सीधे में ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। अब ये हम जो खुला हुआ भाग है हमारा, इसे भी हम रख के ऐसे सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे। अब ये वाला तो हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हम ये जो दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड को भी हम क्या करेंगे, ऐसे रख के पूरे राउंड में सिलाई लगा के ऐसे में ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, हमने इस साइड तो सिलाई लगाया था, हमने इस साइड भी सिलाई लगा दिया है। अब हम यहाँ से रनर को खोल देंगे, इसे सीधा करेंगे। तो देखिए, हमने इसे सीधा कर दिया। अब हम इसमें जो भी हमारे पास पुराने कपड़े हैं इसमें हम फिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पूरे पुराने कपड़े को फिल कर दिया है। अब हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे। तो देखिए, हमने इसे बंद कर दिया। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए, ये हमारा सोफ़ा जो है कि बनने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। अगर आप इसे धोना चाहें तो जो भी हम अंदर कपड़ा रखे हैं इसे निकाल देंगे और धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का यह फ्लोर सोफा वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।